दुनिया भर में कॉमेडी के बेताज बादशाह मुनव्वर ज़रीफ साहब से प्यार करने वालों को पारित बटकार सलाम मोहब्बत। दोस्तों, आज मैं मुनव्वर ज़रीफ साहब की बेशुमार अच्छाइयों में से एक ऐसी अच्छाई बयान करूंगा जिसे अगर नेकी का दर्जा दिया जाए तो गलत ना होगा। मोहम्मद कबीर खान साहब ने अदनान फिल्म्स के बैनर तले 11 फिल्में प्रोड्यूस की। उन 11 फिल्मों में से एक फिल्म मुकम्मल होने के बावजूद, सेंसर हो जाने के बावजूद आज तक ये फिल्म हो सकी, उसका नाम है एक सितम और सही। और एक फिल्म दौरान शूटिंग भी नामुकम्मल बनकर, उसका नाम था नानी नवाज। बाकी 9 फिल्में रिलीज हुई जिनमें से एक फिल्म बेईमान सुपर हिट हुई और दूसरे नंबर पर उनकी फिल्म मंजी के थे डावा, ये बहुत अच्छी है। लेकिन ये दोनों फिल्में जो हैं ये मुनव्वर ज़रीफ मरहूम की वजह से हिट हुई। 1972 में हमने रंगीला साहब का चूंकि तू बोल रहा था, कबीर खान साहब ने उनको अपने फिल्म में लिया और उसका टाइटल था रंगीला बताओ मिस्टर पुतू। लेकिन ये फिल्म फेल हो गई, लोग उन्हें कॉमेडी करते देखना चाहते थे, वो ज़रा जज्बाती किरदार में आना चाहते थे। उसके बाद चूँकि डिस्ट्रीब्यूटर से 2 फिल्मों का मुआहदा किया हुआ था कराची ने, मिस्टर गुत्रू और दुनिया बड़ी नहीं, उसने कहा दूसरी फिल्म बनाए। दूसरी फिल्म हमने रंगीला बतौर बेईमान के नाम से शुरू और उसमें आसिया बेगम थी, कबीर खान साहब थे, निराला साहब थे और बहुत से फनकार थे। पहली फिल्म मिस्टर बुद्धू सीनेटर स्टूडियो में बनी थी, लेकिन उसके बाद आगा जियोगुल साहब ने मेहरबानी करके कबीर साहब को एवरग्रीन स्टूडियो में कमरा दे दिया और इस तरह बेईमान एवरग्रीन में बनना शुरू। जब ये फिल्म कंप्लीट हो गई तो हम उसका रश देखने के लिए रिकॉर्डिंग चैनल में गए। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक होने से पहले उसे जोड़ दिया जाता है ताकि पता चले कि फिल्म क्या। वापस आए दफ्तर में बैठे थे एस सी गति साहब मेरे उस्ताद, खुर्शीदुल्ला साहब जो मुसन्निफ थे, मोहम्मद कबीर खान साहब जो प्रोड्यूसर थे, नियाज अहमद साहब जो एडिटर थे और मैं जो उस फिल्म का चीफ असिस्टेंट था। हम सब खामोश थे क्योंकि फिल्म अच्छी तो बन गई थी लेकिन नज़र आता था कि रंगीला साहब मुतासर नहीं कर सके। इतने में दफ्तर की चिक हटा के एक शख्स ने अंदर छाना और कहा, अरे पठाना ये बेड़ियाँ डोब के बैठे हुए हो। हम सब ने मुड़ के देखा तो वो मुनव्वर ज़रीफ थे। वो हमारे दफ्तर से आगे 6 नंबर फ्लोर से शूट करके वो वापस जा रहे थे तो उनकी अचानक नज़र ज़रीफ साहब पे पड़ी तो फौरन अंदर आ गया। आज से ही उन्हें घुटनों को हाथ लगाया और कहा कि बाबा जी मैनू लगता है घोड़े के मुँह वाले ने तुम एक होर डब्बा बना के दे। ज़ैदी साहब उससे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने अपनी 5 फिल्मों में उनको दिया था तो उन्होंने मोहब्बत से इसका मुनव्वर ज़रीफ साहब का गाल थपथपाया। उसने कहा कि जनाब मैं ताडा खादम ताडा बच्चा, किसी वक्त भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ, डेट डूट का फिक्र ना करना, वो मैं आप ही मैनेज कर लाँगा जो तक मेरी जरूरत हो खुद आ जाए। ये कह के वो तो चले गए और अब हम 5 लोग ये सोचने लगे कि इतनी बड़ी ऑफर को कैसे कबूल करें। तो अचानक खुर्शीदुल्ला साहब ने कहा कि जहाँ ये 3 बेईमान हैं एक चौथा बेईमान भी हम डाल देते हैं जो इंडिपेंडेंटली वारदातें करता है, तो फिल्म तो कंप्लीट हो गई थी, उनका किसी के साथ इंटरेक्शन तो हो नहीं सकता था। सो मुनव्वर ज़रीफ साहब 8 बजे से 11 बजे तक सुबह 3 शिफ्टें उन्होंने हमें वो दी और एक इतवार के दिन छुट्टी होती थी तो एक इतवार की डेट हमें दी 2 बजे से लेके रात 10 बजे तक। सो इस तरह ये 3.5 शिफ्टों में हमने उनका काम किया और जगह जगह लगा, जहाँ थोड़ी सी बोर होने लगती फिर मुनव्वर साहब का सीखना और फिर उसका नतीजा ये निकला, वाइंड अप भी उन्हीं पर करना पड़ा और जब ही दी एंड का टाइटल आया तो पूरा हॉल तालियों से डूब गया और हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कब। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, मुनव्वर ज़रीफ साहब ने इस फिल्म में काम करने का कोई मुआवजा नहीं, बल्कि वो अपने साथ आने वालों को कन्वेंस भी नहीं देने देते, नहीं यार कभी मेरा एक्टर पर आ गया क्राइसिस।
आप क्या सुनना पसंद करेंगे? ठहरो, हम बताते हैं। ऐसी चीज सुना भाई जिसमें बादल की गरज हो, बिजली की चमक हो, शोले की लपक हो, हवाएं तेज हो, आंधियां आ रही हो, समुद्रों में तूफान आ जाए और दिल की धड़कने धक 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 जिससे आंखों में त्रावट आ जाए। क्या मुझको मां कह के कोई पुकारे? हम यहाँ ये मामा का गाना सुनने नहीं आए। हम तो बादलों की गरज, बिजली की चमक, पानी की रिल तुरिल, फूलों की चटक जिससे दिल में धक धक और दिल में रोशनी पैदा हो, वो सुनने आए थे। आप रोशनी देखने आए हैं? हाँ। बिजली की चमक देखने आए हैं? हाँ। माँ समय ये कंजरी का कोठा है, कोई बाबडा हाउस नहीं। मैं माफी चाहती हूँ तमाशबीन साहब, दस डाले रख में अपने जज्बात से काबू नहीं पा सकी। मां दी मान ता जाग उठी, परसों तुहाडे जिदे जवान पुत्र मैनू कल्ली रंडी नू छड्ड के गया। बस कर दो यार, हमने 100 रुपया दिया। तो दोस्तों, आज रंगीला साहब भी हम में नहीं है, अभी खान साहब भी नहीं है, मुनव्वर फरीद साहब भी नहीं, चौथे बेईमान जो कराची से तशरीफ लाए थे निराला साहब भी, अमीर चौधरी साहब भी नहीं है, मेरे उस्ताद अस्तगैत साहब भी नहीं है, खुद शीरुल्ला साहब भी नहीं, लेकिन उन सब की यादें बेईमान फिल्म की सूरत में आज भी जिंदा जा रही है। इस फिल्म को यूट्यूब पे तलाश करके देखिएगा, मुझे पूरा यकीन आप बेहद बेसर होंगे। लेकिन इसके साथ साथ मेरे चैनल खालिद भट्ट एक्टर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी का बटन दबाइए। मेरी दुआएं लेते रहिए, खुश रहिए, आवाज़ रहिए।